पुलिस की पेशकर्ता गवाहियों, शहादतों और सरकारी वकील साहब की बहस से यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम जगन्नाथ, तुम अपनी 10 साल की सजा भुगतने से पहले जेल तोड़कर भाग निकले और फिर रोशनलाल शर्मा का खून भी तुम्ही ने किया। अदालत और कानून ने तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा पूरा मौका दिया, लेकिन तुम बराबर इनकार करते रहे। तुमने अपनी जबान पर ताले डाल रखे। आज आखिरी बार अदालत तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका फिर देती है, इस पर भी तुमने इनकार किया तो मजबूर होकर अदालत को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? तो फिर अदालत मुअज्जज जूरी की मुतफक्का राय से मरहूम रोशन लाल के कत्ल के जुर्म में जेर दफा 302 काजी रात हिंद। मैं अदालत से रहम की दरखास्त करता हूं। मैं मुल्जिम का छोटा भाई हूं। कानून की आवाज का मुल्जिम पर कोई असर नहीं हुआ, शायद खून असर कर सके। मिलोट, मुझे एक मौका इनायत किया जाए ताकि मैं अपने भाई को समझा सकूं। तुम्हें इजाजत है? भैया कुछ तो, अगर अपने लिए नहीं तो हम लोगों के लिए कुछ कहो। तुम याद नहीं, बचपने में तुम ही तो कहा करते थे किताब में लिखा चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना गुनाह है। मैं चोरी किया करता था, मैं झूठ बोलता था। तुम तो कहते थे किसी की जान लेना, हत्या करना महापाप है। मैं उस पाप के रास्ते पर चल रहा था जिसके आखिर में मुझे यहां होना चाहिए था, जहां आज तुम खड़े। भैया ये सब क्या, ये सब कैसे? मैं तो सोच के पागल हो जाऊं। मुझे जिंदगी की राह दिखाने वाला खुद मौत की राह पर कैसे चला, कैसे चला? नहीं बोलूं तो ठीक है, मैं मुन्ना की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी जिस्म की बजाय मेरी रूह को फांसी क्यों दी जा रही? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। ये सही है, मैं डाकू था, ये सच है, मैंने जेल तोड़ा। बच्चे की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। ये भी सच है, मेरे हाथों से खून हुआ। इन तमाम जुर्मों का फैसला मैं यहां आने से पहले खुद कर चुका हूं। सजाए मौत से ज्यादा कानून के पास इन जुर्मों के लिए कोई सजा नहीं है। चूंकि अब मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया गया है, इसलिए मैं ये मालूम करना चाहता हूं, मैं ये पूछता हूं कि अगर खूनी की सजा मौत है तो मौत के ये रास्ते किस तरह बने? खूनी मौत के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? मैं खूनी पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं मालूम खून क्या होता है और खून के रिश्ते कैसे होते हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम मां की ममता किसे कहते हैं, बाप का साया क्या होता है। लेकिन हां, मुझे यह मालूम है कि नफरत क्या होती है, हकारत क्या होती है, जुल्म कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरी परवरिश इन चीजों से हुई है। बचपने में छोटे भाई को कलेजे से लगाकर रहम और प्यार की भीख मांगता फिरा, लेकिन नफरत हकारत और जुल्म इसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। रोटी के बदले पत्थर मिले, ईमानदारी के बदले बेईमानी मिली, मेहनत के बदले लाती, फाकी, दुख, मुसीबतें, ठोकरें, ठोकरें। काम चोर नमक हराम, बाप का माल समझ के तोड़ दिया। ए सेठ, तू हमारे बाप का नाम क्यों लेता है? जरा सा लौंडा और हमसे जुबान चलाता है, चल हट। सेठ जी, कसूर मुझसे हुआ है, आप मुझे मारिए, मेरे भाई को क्यों मारते हैं आप? चुप रहो। अबे घूरता क्या है? मार चुके, अब लाइए हमारी महीने भर की तनख्वाह। तनख्वाह कैसी, साल भर भी मुफ्त काम करे तो हमारा नुकसान पूरा नहीं हो सकता। चल दौड़, निकल जा, निकल जा। नमक हराम, बेईमान,
कहां से चले आते, जल्दी निकल जा। गुंडे कहेंगे राजू, सेठ ने तो हमारी महीना भर की तनख्वाह काट ली, अब हम लोग खाएंगे क्या? सेठ की घड़ी बेच देंगे। राजू तूने फिर चोरी की, तू दिन ब दिन चोर बनता जा रहा है। अरे चोर क्या भैया, मैं तो एक दिन चोरों का उस्ताद बनूंगा। उस्ताद राजू, किताब में लिखा है चोरी करना पाप है। आग लगा दो इस किताब को, इसकी वजह से अपनी तनख्वाह गई। बदतमीज, जबान खींच लूंगा अगर इस किताब को बुरा कहा तो। लाइए घड़ी, मैं तो वापस करके दो। नहीं मैं नहीं दूंगा। मैं कहता हूं नहीं दूंगा। मैं कहता हूं चोर चोर पकड़ो बदमाशों को, चोर चोर चोर। मेरी घड़ी, सेठ की घड़ी हाथ लगी, वो भी तुमने गंवा दी। सारा दिन बीत गया, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। चोरी के माल से पेट भरना, इससे तो अच्छा है कि भूखे मर जाए। भगवान भगवान तुम नाराज हो इसलिए कि राजू ने चोरी की, ये बिल्कुल नादान है। भगवान इसे माफ कर दो, दुनिया वालों ने हमें कुछ नहीं दिया, अब तुम ही हमें खाने को दो, बहुत भूख लगी है। भगवान ये कुछ नहीं रहेंगे, दुनिया वालों के साथ रहकर ये भी पत्थर के बन गए, खाना मैं दूंगा। तू कहां से लाएगा? माँ का ये मंगल सूत्र बेचेंगे। नहीं, माँ की ये आखिरी निशानी आधी मेरी है और आधी तेरी। मेरे साथ तू भी कसम खा कि माँ की इस निशानी को हम कभी जुदा नहीं करेंगे। कभी जुदा नहीं करेंगे। सौगंध खाकर पेट भरोगे तो क्या करे, हमें तो कोई एक पैसे को भी नहीं पूछता। एक पैसा? अरे लो बेटा, मैं तुम्हें देता हूँ, खुश हो गए। और अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए नकद इनाम दूंगा। वो क्या काम हुआ सेठ जी? रेलवे गोदाम से एक छोटा सा पार्सल उठा लाना है। चोरी? चोरी? अरे नहीं बेटा, इसमें कहे की चोरी, अरे ये तो चोरी मोरी है। चोरी मोरी? हाँ? चोरी मोरी क्या है? अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें किस तरह समझाना, समझो। फर्ज करो ये किताब तुम्हारे हाथ में है, किसकी है? चोरी। यही मैंने छीन ली, मेरे हाथ में है, किसकी है? मोरी। तुम्हारे पास है चोरी, मेरे पास है मोरी, इसमें किसी के बाप की क्या चोरी? हाँ चलो भैया, चोरी मोरी करिए। चलो ना, चोरी मोरी करिए। अरे चल बेटा, क्या झगड़ा करो, 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए। मोटर के पास मिलना। वो देखो, जाते हैं।
नहीं 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 भगवान, अब मुझे दो पैसों पर कोई नहीं खरीद सकता। भगवान, तेरी झूठी दुनिया में मेरा सब कुछ डूब गया, बाप का साया उठ गया, माँ की गोद छिन गई, फिर भी तुझे चैन ना आया तो मेरे भाई को जुदा कर दिया, वो भी मुट्ठी भर चरों की खातिर। सर की बेजान मूरत, अगर तेरे सीने में जो दिल होता तो इंसान के दुख पर तू इस तरह न हंसता। एक एक सहारा तोड़ कर तू ये कभी नहीं कहता कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, मैं आज तुझसे ये कहने आया हूं कि अब मैं अपना भगवान खुद बनूंगा और एक ऐसी दुनिया बसाऊंगा जिसके आगे तेरी दुनिया सर झुकाएगी। अरे मेरा बचवा, अरे भाइयों, मैंने उसमें पूरे महीने की तनख्वाह दी, अरे कोई चुरा ले गया, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, अब मैं क्या करूंगा। अरे फोटो लीजिए। इंसान पेट्रोल 2424। पेट्रोल 2424 स्पीकिंग। डाकू का कोई पता नहीं चला, जूते के निशान के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। गाड़ी का ट्रैक भी फॉलो किया लेकिन वो भी यकायक गायब हो गया। अबे तुम यकायक गायब मत हो जाना, उस्ताद को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समझ गए? अब ऐसी घबराई नहीं होगी उस्ताद। बाबू, आज की आमदनी, आज की आमदनी ये सब दौलत है उस्ताद। ये सब तुम बांट लो, क्योंकि आज जो चीज मेरे हाथ लगी है उसने दुनिया को चक्कर में डाल दिया है। इसकी कीमत लाखों से भी ऊपर है। ये देखो, मुझे इस हार के लिए राजकुमार पर शुभा है। कहां का राजकुमार? अरे भाई, वही जेब कतरों का राजकुमार, शहजादा अब्दुल करीम उर्फ राणा रामचंद्र उर्फ हिज हाइनेस करतार सिंह उर्फ राजकुमार वगैरह वगैरह, वो भी अभी तक बड़े बड़े हाथ मार चुका है। इंस्पेक्टर साहब, इस दफे तो उसने आपके अकल पे हाथ मारा है। व्हाट डू यू मीन? जिस राजकुमार
उर्फ वगैरह वगैरह वगैरह। अरे भाई जिसपे तुम्हारा शुबा है वो आज ही इस जेलखाने से छूटने वाला है। ओ, वो देखो वो आ रहा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे चौबे जी, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। कहिए चौबे जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार तुम बड़े मुकद्दर वाले हो, अभी निकलने भी नहीं पाए थे कि इंस्पेक्टर चौबे तुम्हें अड़प करने आ गए। चले साहब, चौबे जी को जब पगार बढ़ानी होती है ना, एक बेचारा मैं ही उनको मिलता हूँ। मगर आपके ये गलत पते पे आ गए। कहिए चौबे जी, बात क्या? बात ये है कि 12 लाख का हार लूटा गया है। 12 लाख? ये बूट भी लूटा गया है क्या? ये लूटने वाले के जूते का निशान है 12 नंबर का। 12 नंबर का? जी। चौबे जी, अपना तो 8 नंबर का पांव था, जेल में सुकरते सुकरते 6.5 का रह गया। देखिए देखिए देखिए, हाँ देखिए जी। अरे साहब, ये तो बड़ा ढापसोल पांव है। हाँ, अपने भी किसी बड़े भाई का मालूम होता है। हाँ, देखिए देखिए। राजकुमार, तुम्हारे रिहाई का तो ऑर्डर आ चुका है, और ये लो तुम अपनी अमानत। इसे तो जेलर साहब अपने हाथों से बांध दीजिए। ओहो, राजकुमार, ये सोने के दाने कहां से मार लिए थे? चौबे जी, यही एक माल चोरी का नहीं, मेरी मां की आखिरी निशानी, खोए हुए भाई का आधा पता। राजकुमार, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी इस जेल में आओ। मालूम है तुम 10वीं दफा जेल काट के जा रहे हो। मगर इस दफा चौबे जी माफ करना, आप किसी दूसरे का इम्तिहान मुझसे लेने आ गए। ये तो अच्छा हुआ कि यही मुलाकात होगी, कहीं बाहर मिलते तो आप कसर छोड़ने वाले थे। कसर तो मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा बेटे, उस डाकू को पकड़ना बहुत जरूरी है, और हार के मालिक की तरफ से 10,000 का इनाम मिलेगा और पगार अलग बढ़ेगी चौबे जी। हाँ, बाकी के सब कहा है? सुबह को सर्दी हो गई, उस्ताद और जेडी को चुल्ला हो गए, इसलिए नहीं आ सके। चल रहा है वर्ली का नाका। उस्ताद आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं और हम लोगों पे पड़ गया फाके पे फाका। इसे चालू हो जा। क्या? इरीरा रात का आका का बाग का बाका का टाक का वर्ली का नाका। का बाका पाका का टाका परली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। इधर दराका आका का बाका बाका का टाका परली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। गरीबों का ये जीना है, जले है देख देख सीना है, काम तो करता बूढ़ा कल्लू मजे से खाए शंभू काका। इदी जरा का आका का बाका बाका का टाका वर्ली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। जो आता है झुकाना झुकेगा लाला ये जमाना, दुनिया है जालिम मानेगी उसको जो हो दुनिया का चाचा। दीदी जरा का
आका का बाका बाका का टाका वर्ली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा निगाहें तेरी काफिर है रस्ते पे लुटा है मुसाफिर है आज तमाशा हो गया उल्टा डाकू पे पड़ गया डाका है तेरी दर्रा का आका का बाका का डाका वर्ली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा गलियों में झूम झूम गाता हुस्न को इश्क सिखाता मेरा गाना बड़ा मजे का रॉक एंड रोल का चाचा तेरी दरा का आका का बाका का टाका बरली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा कोशिश तो कर रहा था पर तुमने समझने का मौका ही तो क्या छोटी छोटी घड़ियों पे हाथ मारते हो कोई बड़ा काम करो बड़ा हाथ मारो बड़ा पाँव तो तुमने मार दिया बड़ा हाथ मार क्या देखो तो पाँव भी माशाल्लाह टॉप सोल है 12 नंबर का है ना जाओ अपना काम करो देख मैं ये क्या ले आया ये सब क्या है आज मैं खिलौने वाले की दुकान ले आया इधर रख दे चुन्नू इधर मगर किसके लिए मुन्ने के लिए और किसके लिए मुन्ने के लिए हाँ पहले मुन्ने को पैदा तो होने दीजिए फिर वो इन खिलौने से खेलेगा और जब 5 साल का होगा तब इस मोटर पर बैठेगा नहीं नहीं मुन्ने की माँ तू समझती नहीं है तू बिल्कुल नहीं जानती है मेरा मुन्नू तो मोटर चलाता हुआ पैदा होगा क्यों बे जुगनू यस सर उम्मीदें बेशक बड़ी सुहानी होती है मगर उनके पीछे इतना न दौड़ी कि थक जाइए मुन्ने की माँ मैं उम्मीदों के पीछे नहीं दौड़ता उम्मीदें मेरे पीछे दौड़ती हैं इसमें हंसी की क्या बात है हंसी इस बात पर नहीं आई आपका जूता देखकर आई जूता वो कैसे रेडियो पर अभी खबर सुनी थी कहीं लाखों रुपए का हीरों का हार लूटा गया और लूटने वाले का पैर भी आप ही की तरह लंबा था 12 नंबर का देखो मुन्ने की माँ इस वक्त बड़े जोर की भूख लगी है खाना पाइए एकदम खाना पाइए क्या बात है मुन्ने की माँ तुम्हारा भी जवाब नहीं ऐसे करेले पकाती हो कि मैंने दुनिया को गुलाम बना लिया है और तुम्हारे करेलों ने मुझे गुलाम बना लिया
अगर कल को मैं न रही तो आप इन करेलों के बगैर भूखे रह जाएंगे। अब बस तो यही गलत है कि तुम कल कहीं चली जाओगी, और अगर कहीं गई भी तो जाने से पहले मैं तुमसे ये नुस्खा लिखवा लूंगा। नुस्खे में कोई खास दवा नहीं है, रोज आप ही के सामने तो पकते हैं, लेकिन खिलाते वक्त मैं इसमें खास चीज डाल देती हूँ। ऐसी क्या खास चीज डाल देती हो साहब? मुन्ने की माँ अपना दिल डाल देती है। क्या बात है मुन्ने की माँ तुम्हारी। राजा इंदर का अखाड़ा जूह पे उतर है, बीच वाली को बड़े जोर से घूर घूर के देख रहे हैं। क्या बात, चिड़िया जोरदार है और है भी सोने की। रहा ना सुनार का सुनार, तो कभी हमारी नजर से भी तो देखा था। अपनी नजर भी कसौटी है उस्ताद, देखते की 5,000 की दो नोट नकद है। मुझे कैसे मालूम? उस्ताद सांता, उस्ताद सांता क्रूज वाले पेट्रोल पंप पर 10 गैलन पेट्रोल डाले और 1,000 की दो नोटें छुट्टी करवाई। तो वही मार दिए होते उस्ताद, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो फिर क्या प्रोग्राम? आज रात जू पे अखाड़ा जमेगा और सुबह होते ही जब आएगा अपना। क्या ख्याल? फिर तो कोई चाल डालना चाहिए। वो कैसे? यही तो सोच रहा हूँ। राज कपूर श्री 420। उस्ताद जाल बिछ गया, बिल्कुल जाल बिछ गया। उस्ताद पर पूछो मत, भाग लो तुम, भाग लो। हम उस्ताद भागो भागो उस्ताद भागो भागो भागो। देखिए देखिए आपसे कुछ कह रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे बचाइए, यहाँ के लोग मुझे राज कपूर समझ के मेरे पीछे ही पड़ गए। समझ क्या रहे हैं आप? हैं राज कपूर जी, आप तो पिक्चरों के बाहर भी एक्टिंग करते हैं। नहीं नहीं, देखिए तो मैं झूठ कहता हूँ तो लोग मुझे मान लेते हैं, मैं सच कहता हूँ तो। इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई, आज आपको हमारी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। आपकी पार्टी? हाँ हाँ जरूर। लेकिन लेकिन आप टेलीफोन करके कपड़े मंगवा लीजिए। टेलीफोन तो बिगड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, ऐसे सब बंदोबस्त कर लेंगे। चलिए तो चलिए चलिए चलिए। अजय ठीक है, ऐसा मालूम होता जैसे मेरे लिए बने हुए। ठीक क्या राजा, अब तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? अजी अवार्ड या अवार्ड है, इस वक्त तक 10 मौके तो हो चुके हैं, और अगर चौबे जी यहाँ आ जाएं तो एक इनाम और रखा हुआ। लेकिन राज साहब, जागते रहो का इनाम तो आपको कार्लो विवारी में मिला है, ये मथुरा के चौबे। मैम साहब, चौबे जी सिर्फ मथुरा में ही नहीं होते, हमारे वारी कार्लोवा में एक से एक बड़ा चौबा धरा हुआ। वारी कार्लोवा जी? छोड़िए, नाम इसका कुछ भी हो, जगह सी थी। अजी अब तो बहुत सुधर गई है, खाने में 2-4 चीजें बढ़ गई हैं, रेडियो चला रखे उन्होंने, और खटमल का तो नाम निशान ही नहीं। जी हाँ, आदमी और खटमल तो साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने तो 2-4 बम ऐसे चलाए हैं DDT के आदमी तो रह गया लेकिन खटमल साफ। बड़ा अच्छा हुआ। और फिर कहाँ कहाँ घूमे आप? घूमने फिरने का मौका ही कहाँ मिलता था, दिन भर कंपाउंड में रहते थे, रात को बंद कर दिए जाते थे। माफ कीजिए, ये आप खुसर पुसर क्या कर रही? देखिए आप
कार्लो बीमारी गई थी, जेल गई थी। अजी जेल भी कई दफा जा चुका हूँ। आप जेल? जी हाँ, कल ही तो एक फिल्म में जेल गया था और आज उसी का सीन आपके सामने पेश कर दिया। आप वाकई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अजी इसमें क्या शक है? आप अपनी स्टूडियो में चांद दीजिए ना, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो तुमने बता दी पिक्चर भी बना दी थी, कैसे? तुम्हारे पास तो काफी रुपया है ना? पर रुपये पे मेरा क्या पैसे, चाचा तो सांप बनकर बैठा है। सांप? अरे आप इत्मीनान रखिए, मैं सांप भी पकड़ना जानता हूँ। आवारा और 420 देखकर आपको खुद ही अंदाज हो गया होगा। थोड़ा थोड़ा आप गाने बहुत अच्छे पेश करते हैं, गाना सुनाइए ना। जी वो बात दरअसल ये है कि फिल्म के गाने बगैर कैरेक्टर के मजा नहीं देते। कुछ लड़के हों, लड़कियां हों, ड्रेसेस हों, सीन सीनरी हो, कुछ इंतजाम हो, तो कीजिए मौजूद है ना ये, फिर तो गाना बहुत जोरदार होगा। बस कमी है तो एक लड़के की और एक लड़की की। अरे साहब को दर रखे, ये लड़का ये मालदार और मैं कड़का। लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का, तुझे देख कले धड़का धड़का, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। चोकरी मद्रास की कली हो जैसे कपास की, नारियल के पेड़ तले अज चोकरी मद्रास की कली हो जैसे कपास की। देख कलेजा धड़का धड़का, तू की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। जब से सुनी पंजाब में आया मेरी जनाब में, दास्तान तेरे हुस्न की अरे जब से सुनी पंजाब में आया हूँ तेरी जनाब में। ओ नाम सुन के आपका मैं छोड़ आई मद्रास में, खड़ी हूँ तेरे पास में। तू लड़का मैं लड़की, लड़की तू लड़का मैं लड़की, तुझे देख तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू मैं लड़का, तुझे देख कलेजा धड़का धड़का, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। तेरी शरबती मोरनी से तेरी चाल है, दिल ने कहा ये कमाल है। आंख है तेरी शरबती अरे मोरनी से तेरी चाल है, दिल ने कहा ये कमाल है। लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का, तुझे देख कलेजा धड़का धड़का, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। अरे
शराब मैं दुनिया भर के होटलों में रहा हूँ, मगर इस किस्म की चोरी मेरे नहीं हुई। हमारे होटल में भी चोरी कभी नहीं। तो फिर इनका रुपया कहाँ गया? पहले इनसे तो पूछिए रुपया था भी इनके पास। How dare you? पता लिखो, मैं लीजिए लीजिए। क्यों? आपके काम आएंगे। Thank you. दो सौ बीस जी, मुझसे कुछ कहा? मैं रुपए गिन रही थी। राज साहब, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ है। हाँ जी, इसमें क्या तकलीफ है, आप ही के पैसे हैं। हाँ जी जी हाँ, देखिए ना, जितनी ज्यादा तस्वीरें आप लोग हमारी देखते हैं, उतने ज्यादा रुपया हमारे पास होता है। अच्छा राज साहब, ये बताइए ये पैसे किस पते पर वापस भेजूं? देखिए, स्टूडियो के पते पे ना भेजिएगा। किस पते पर भेजो? रहने दीजिए, मैं फिर कभी वसूल कर लूंगा। लेकिन एक बात सुनिए, मैं राज कपूर नहीं। नहीं, आप जो कुछ भी हैं, इरीरा राका आका का बाका पाका का टाका पूना बोलते ही वो चाचा है ना, सब भुला देगा। आर 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 किस मलहूस का नाम ले दिया तूने? इस चाचा ने तो मेरी जिंदगी दूबर कर रखी है। सारी दौलत पिताजी ने कमाई, खुद तो चल बसे, इस मुसीबत को मेरे सर पे ट्रस्टी बना गए। ट्रस्टी? पिताजी ने आपको ट्रस्टी बनाकर अपनी दौलत पर नाक बिठा दिया है। मैं आपको अपनी तकदीर नहीं सौंप सकती, मैं इस गधे से शादी नहीं करूंगी। अपने होने वाले पति को गधा कहना पाप है बेटा। मेरी तरफ से इजाजत है चचा, कम से कम इस जमाने में औरत को इतनी आजादी तो मिलना ही चाहिए। चुप है गधे। देखा तुमने कैसा दुम दबा के बैठ गया। बेटी तुम एक रईस घराने की लड़की हो, तुम्हें शौहर नहीं गुलाम चाहिए, और वो भी चिड़िया का। बेटी, बराबर के लड़के मिलते जरूर हैं, मगर वो तुम्हारे इशारों पर कभी नहीं चलेंगे। मेरे इशारों पर या आपके इशारे पर? मैं चाहता हूं तुम्हारी ये दौलत नाजायज तौर पर खर्च ना हो। तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने यह दौलत बड़ी मेहनत से कमाई थी, और आप मुफ्ती में इस दौलत को हासिल कर लेना चाहते हैं। पिताजी की वसीयत थी कि शादी के बाद ये दौलत मेरे और मेरे शोहर के कब्जे में आ जाए, और आप इस गधे से शादी करके चाहते हैं कि दौलत आप ही के कब्जे में रहे। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं अपनी मर्जी और ताकत से काम लूंगा, शादी का इंतजाम किया जाए। और फोटो वाले, जल्दी फोटो लो, हमें अपनी बिटिया की शादी का सबूत चाहिए। हाँ जी। मर गया। चुप। शादी के मंडप से भाग सकती है, लेकिन मेरे जाल से नहीं निकल सकती। अखबारों में तस्वीर के साथ इश्तहार दो, ये लड़की लाख रुपया लेकर भागी है। पकड़ने वाले को 10,000 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती। देखिए, भला ऐसी भोली लड़की लाख रुपए लेकर भाग सकती है? वाकई बिचारी बड़ी भोली मालूम होती है। क्यों, क्या हुआ? जरा पढ़िए तो, इसके चाचा ने इश्तिहार दिया है, ये लड़की लाख रुपए लेकर भागी है और पकड़ने वाले को 10,000 रुपए इनाम। बिचारी मुफ्त में मारी जाएगी। मारी जाएगी? क्यों? हाँ, शहर के सारे बदमाश इसके पीछे पड़ जाएंगे, और वो 12 नंबर का जूते वाला है ना, वो तो ना मालूम किस सोच में पड़ गया होगा। मार दिया पापा वाले। क्या हुआ सब मार दिया हुआ? अरे देख देख देख, ये तो वही लड़की जिसने 2,000 रुपया खटाया था। अरे उस्ताद, खाली 50-80 तो तुमने हाथ में लगने दिए थे और 420 वापस कर दिए थे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ आपके? तो इसने लाख रुपए का हाथ खेल दिया। क्या मतलब? कहते हैं कि ये लड़की लाख रुपया लेके घर से भागी है और पकड़ने वाले को 10,000 रुपया इनाम। तब तक फिल्म बन गई। फिल्म बन गई, तुम लोगों को फिल्म की पड़ी हुई है। बेटा, इस लाख रुपए के चक्कर में बड़ा बड़ा ढाप सोल बदमाश इसके पीछे लग गया होगा। अरे
आधा होटल चाहिए। नहीं बाबा, बुली। हम हमारे होटल में ठहरो, पेशावर का सब पटा हमारे होटल में ठहरता है। बाबा हम बोला हमको नहीं मिलता होटल। अरे चलो खान साहब का होटल होटल कुछ नहीं चाहिए। खान साहब, खान साहब आप बुली से आए? हाँ बाबा। खान साहब आप कहाँ से आए? इस डब्बे में एक लड़की तो नहीं बैठा था? कैसा वाला लड़की बाबा? ऐसा वाला खान साहब, ऐसा वाला। ऐसा वाला लड़की पुणे से बैठा, हमसे अच्छा वाला बात बोला, बोला दुनिया में हमारा कोई नहीं, तुम फोन तो तुम उसका भाई, ये तो झूठ फोन था। खुदा का कसम हम बिल्कुल सच बोलते खान साहब, ये हमारा सगा बहन है, देखो कितना अच्छा वाला बहन है तुम्हारा। अगर मिलेगा तो अब्दुल रहमान को सलाम बोलो। बोलेगा। ये पेंसिल से दाढ़ी मूछ क्यों बना रहे हो? अपनी ही उखाड़ के चिपका दो ना पड़े अब्बा। कौन छो तुम? कौन छो? चलनी काम करनी सालों का जोड़ो के अब्दुल रहमान मारो दी खान। तुम इकला बंबई आया? तुम्हारा बाप बाबा खान केम नठी आवियो? अरे हम तुमको नहीं पहचानता भाई। भाई केम बोलता है? काका बोलनी काका बोल। हूँ टारू बाप ने दोस्त बदरुद्दीन टामा पीतल वाला, तुम हमारा मेहमान। अरे हम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा भाई। केम नहीं जाएगा, हम तुमको उठा कर ले जाएगा। तुम नहीं ले जा सकते, ये हमारा मेहमान है। वो जा रही है, रवाड़े रवाड़े आओ डिकरा को ले आओ। हम नहीं जाएगा। अरे बदरुद्दीन सर, शमशु के अब्बा है, शमशु के अब्बा। अरे क्या है बेगम? निगोड़ी मेरा भुर्का ले गई। अरे तू तो अंदर जा, खुदा का शुक्र कर भुर्के के साथ तू नहीं गई। अंदर जा, अंदर जा। मान लिया पापड़ वाले को उस्ताद बुरका उड़ के निकला है। अब गए काम से बड़े अब्बा। तुम्हें वैसी जाओ दिखरा मारा दिखरा। तुम्हें ऐसा मुझे किसने छोड़े जा रहे? दुनिया में मेरा कौन नहीं है? ये क्या साहब, ये क्या औरत हो रही है भाई? क्या बताऊं, देखो मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के जा रहे मेरे पांच पांच बच्चे, मैं क्या करूँ? अल्लाह सलामत रखे, तू एक छोड़कर शादियाँ कर लो, मैं कब मना करती हूँ? मुझे क्यों छोड़े जा रहे हो? बेगम बेगम तुम काय को गले पड़ता है? अच्छी सुधी मारा दिख रहा अब्दुल रहमान एक शादी नक्शी बना दियो। अरे शादी नक्शी बता दे तो पांच पांच बच्चा क्या किया? अरे भाई औरत टन खोटो बोले छे, टन खोटो बोले छे। कहते क्यों नहीं खान साहब, तुम तो हमारी शादी में मौजूद थे काका, भूल गए क्या? केम दिख रहा अब्दुल रहमान, तुम्हें केम नहीं बोलता, बड्डू ढोंग छे, नाटक छे, पुलिस ने बुलाओ, पुलिस। अरे पुलिस को हम बुलाएंगे, पांच पांच बच्चा पैदा किया, शादी बनाया, छोड़ के भागता है कुछ। पठान का बच्चा ईमान खराब करता है, सीधे से बिठाओ औरत को ले जाओ साथ, हम जबरदस्ती करेंगे। अल्लाह सलामत रखे खान साहब, अल्लाह सलामत रखे, अब इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ खान साहब, चलो अपने बच्चों के पास। चल चलो अल्लाह बिली अल्लाह बिली। उस्तादों से उस्तादी नहीं चलेगी उस्ताद। हो तुम कैसा औरत है, मर्द लोग औरत लोग को भगाता है, तुम औरत होके मर्द को भगाता है। दिल का मामला होता ही उल्टा है मेरे खान, मैं क्या करूं? तुम याद रखो, तुम अच्छा औरत है या खराब औरत है, तुमको हमसे कुछ नहीं मिलने वाला, हम एकदम कड़के वाला पठान है, कड़का पठान है, तुम हमारा पीछे छोड़ो भाई। माना कि तुम्हारा पठान है, माना कि मैं तुम्हारा पीछा पीछे छोड़ दूं, लेकिन मेरे खान तुम जाओगे? अरे हम पठान का बच्चा है, कहीं भी जाएगा अपना जगह बनाएगा, तुम छोड़ो। अरे भाई मैं किस लिए बनी हुआ? मेरे खान मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगी अपने दिल में। ए ड्राइवर विक्ट्री होटल चलो जी, जहन्नुम में चलो। सलामत रखे, जरा सफर की मैल तो धो लो, जल्दी से जाके नहा लो, मैं काजी को लेके आता हूं। काजी बेगम, तुम निकल का बात करता है, हमको एकदम फंसाया। हाय हाय अब जाओ भी जल्दी से, नहा लो देर हो रही है। अल्लाह सलामत रखे, अब तो हमको नहाने पड़ेगा बेगम, तुम हमको फंसा दिया। ओ, बेगम तुम खूब फंसाया, ये किस राफा के हाथों फंस गई मधु। काजी लड़की शादी, लड़की लड़की की शादी कैसे होगी? Thank you.
देखने की कोशिश ना करो। कसम खुदा का बेगम, हम तुमको देखने को नहीं आया, हम तो अपने कपड़े मांगने को आया बाबा। अल्लाह सलामत रखे खान साहब, जल्दी में बड़ी बेगम के कपड़े ले आए हो, मर्दाना कपड़ा तो एक भी नहीं है। वल्लाह तो हम नहाने के बाद पहने का क्या बेगम? अल्लाह सलामत रखे, ये लोगों का कोट बड़ी बेगम का, इसे ही पहन के निकाह करवा लेना, दरवाजा खोलो ले लो। अच्छा बेगम लेता है, लाओ बेगम लाओ। अरे अब जाते भी हो ले तो आती हूँ लाने के लिए। नहीं इधर नहीं आना बेगम, कैसा बात करता है तुम बेगम? हम नहाता है बाबा, तुम ऐसा औरत है। अभी लाया पकड़ना जानता हूं, और याद मैंने ये भी कहा था कि मैं राज कपूर नहीं। तो फिर आप हैं कौन? जो भी हूं, हूं बहुत अच्छा है ना? लेकिन आप, तुमने इतना बड़ा धोखा झूठ पे, मेरे दिल ने भी तो मुझे धोखा दिया था, मैं आपको देखता रह गया और मेरा दिल आपके साथ टूटना चला। तो ये ढोंग बचाकर दिल वापस लेने आए थे? तुम्हारे काम ना है तो वापस कर दो। किस नाम पर पार्सल करूं? हिज हाइनेस राजकुमार, केयर ऑफ कोई भी पुलिस चौकी बॉम्बे। कभी राज कपूर कभी राजकुमार, और प्यार से कहना चाहो तो राजन। राजन एक बार फिर कहो राजन। जी चाहता है तुम्हारी एक फोटो ले लूं। अखबारों में इतने फोटो छपे, तुमने कोई देखा नहीं? देखा और सोचा भी। क्या सोचा? दुनिया भर के बदमाश तुम्हारे पीछे पड़ गए। एक तो यहीं पड़ गया। पड़ गया ना, अब तुम ही बताओ ऐसे मेरा क्या फर्ज था? धन्यवाद। ए सुनो, रुक 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 कहाँ चली दीवानी, कोई रोके ओके, वादा कर अपन करेगा हमसे तू धोके ओके, रुक 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 कहाँ चली दीवानी, कोई रोके ओके। Beep.
सदा से कहो जरा इस एटम बम को रोके। ओके। रुक 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 कहाँ चली दीवानी कोई रोके। ओके। मस्तानी मैं आजाद खूब मिले हैं दो उस्ताद तुम जो कहो तो दो दिन जी लूं तुम पे आशिक होके। ओके। अरे अरे राजन लिफ्ट चढ़ी चली जा रही है रुकती नहीं। रुक 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 कहाँ चली दीवानी कोई रोके। ओके। वादा कर अपन करेगा हमसे तू धोके। ओके। स्टेशन पर तुम्हारा दांव लगा तुम ले गए यहां से मैं ले जाऊंगा। पांव लंबे फैलाने लगे इतनी हिम्मत से पड़ गई किसी की बीवी को उठा के ले जाने की। मुझे बीवी नहीं रुपए चाहिए लाख रुपए मुझे दे दो बीवी तुम रख लो। वो बीवी नहीं सोने की चिड़िया है सोने की चिड़िया बड़े दांव पे से हाथ लगी ऐसा क्यों नहीं करते सोना मुझे दे दो चिड़िया तुम रख लो। मुसीबत यह है मुझे भी सोने का शौक है। खेल जरा लंबा होने लगा बड़े भाई। खेल खत्म भी हो सकता है कोई समझौता नहीं हो सकता। क्या चाहते हो अपनी मेहनत का इनाम जो उसके चचा से ले लेता तुम मुझे 10,000 रुपया दे दो मैं तुम्हें चचा समझने लगूंगा क्या ख्याल है। आदमी अकलमंद मालूम होते हो ये लो। ये हुई ना बात। बदरुद्दीन काका तमें बहु लकी छो काका लाख रुपए का माल 10,000 में रोज रोज नहीं मिला करता है। माफ करना खासा यार बड़ी करकी थी सॉरी यार। तलाशी ले ली गई है उस्ताद और सब सामान भी देख लिया लेकिन कुछ नहीं निकला तो ये झूठा इश्तहार फिर क्यों छापा गया। मैं तुमसे पूछता हूं लड़की मेरी चाचा मेरी जायदाद की ट्रस्टी है लाखों की दौलत है दौलत के लिए मेरी जिंदगी लेना चाहती दौलत ही के लिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। 10,000 दे चुका हूं तुम्हें नाम पर जो मुझे तुम्हारे बदमाश चाचा से वसूल करने होंगे। मैं धोखेबाज नहीं हूं मैं सच कहता हूं। अब खुद को भी धोखा देने लगे राजन तुम और हजारों का जुआ कहां से मारना यार। अरे किसी मासूम का गला घोट दिया होगा। मेरे अरमानों का गला घोटा है तुमने मेरी मोहब्बत का नीलाम किया है तुमने तुमने मेरा गला घोटा है। क्यों लग गई अजी बस चिपक गई तू पास नहीं आएगा राजन मर जाओ मर जाओ एक बना और बना समझा था तो मार दिया होता मुझे मेरे टुकड़े कर दिए होते लेकिन ये धोखा ये फरेब क्यों 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 इसलिए कि दुनिया ने मुझे यही सिखाया वक्त ने मुझे इसी सजा बिठाया। धोखा मेरा असूल फरेब मेरा कानून है मैं नहीं बदल सकता मुझे कोई नहीं बदल सकता इसलिए
कि माँ की मोहब्बत तुमने देखी नहीं, बहन का प्यार तुम्हें मालूम नहीं और बीवी की चाहत तुम्हारी किस्मत में नहीं। तुमने किसी की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी की मंजिल तलाश नहीं की। तुमने खोया है राजन, पाया नहीं। तुम बदनसीब हो, तुमने मुझे ठुकरा दिया। उसको जो तुम्हें सब कुछ दे सकती थी, उसको जो तुम्हें सब कुछ दे सकती थी, उसको जो तुम्हें सब कुछ दे सकती थी। सच कहता हूं, तुम मुझे सब कुछ दे सकती। मैं तुम्हारी तलाश करूंगा प्यारे, बस मजा आ जाए। अगर इस नए साल की पार्टी में ये लड़की है ना मधु शर्मा, बस ये शामिल हो जाए। हाँ यार, उसे मूड में लाने का हर मसाला तैयार है प्यारे। हाँ है, हाँ ये बात है। तो बस फिर उसे ऐसा मूड में लाओ, ऐसा मूड में लाओ कि मस्ती में आके झूमे और कहे हाँ आया तुम पे दिल आया है क्या करे। आया तुम पे दिल आया क्या करूं, आया तुम पे दिल आया क्या करूं, आया तुम पे दिल आया। ढूंढो, मैं उसे टेलीफोन करता हूं। हाँ बोलो। क्या, मगर तुम लोग कहां थे? देखो उसके पीछे पड़ जाओ, वो भागने ना पाए। मैं भी आता हूं। क्या हुआ, कहां चले? कोई आदमी तिजोरी तोड़कर माल ले गया है। मैं अभी पुलिस में जा रहा हूं। आपके धंधों का भी कुछ पता नहीं चलता, रातों को उठ उठकर पुलिस के पास जाना पड़ता है। सुनो, क्या रोक रहा था? मार पहलवान, मार दो इसे। क्या
चोर नहीं, वो लुटेरे मेरे पीछे पड़े, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा ले। कौन है वो लोग, तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? लुटेरे, लुटेरे दौलत की छीना झपटी में वो मेरी जिंदगी दांव पे लगा देना चाहते हैं। घबराओ नहीं बहन, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन लोगों को यहाँ से देर नहीं लगेगी। मैं अभी सब दरवाजे बंद कर देता हूँ, तुम यहाँ आराम से बैठो। वो देखो वहाँ पानी रखा है, थोड़ा पानी पी लो जी, और से और हो जाएगा, घबराओ नहीं। घबराओ नहीं बहन, मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे खोल दो बहन, तकदीर ने मुझे उसी के जाल में लाकर फेंक दिया है। किसके जाल में, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ये घर उसी का है जिसकी ये तस्वीर है। ये तस्वीर मेरे पति की? नहीं नहीं नहीं, ये तस्वीर उस डाकू की है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे इन आंसुओं से मेरे पति के दामन पर कोई धब्बा नहीं आ सकता। सारी दुनिया जानती है वो एक देवता है। नहीं नहीं, तुम एक शैतान को देवता समझे बैठी हो। दरवाजा खोलो, अगर ये लड़की बच निकली तो उस्ताद एक एक कुछ जान से मार डालेंगे। छोड़ दो मुझे। उस्ताद, हम लड़की को उठा लाए हैं। छोड़ दो मुझे। शाबाश, हमारी हिरासत से भाग जाने का मजा अब ये चखेगी। हटा दो पर्दा। तो मेरी आंखों पर और पर्दा नहीं डाल सकते। लेकिन क्यों जबान पर ताले पड़ गए? पूछते क्यों नहीं मैं यहाँ कैसे? कैसे? जिस चोर की तलाश में तुम घर से निकले थे, तकदीर ने उसे तुम्हारे घर पहुंचा। वो मासूम चोर नहीं थी, चोर तुम हो। मामला है, हट जाओ यहाँ से। नहीं, तुम्हें सुनने दो मैं तुम्हारी कौन हूँ, मुझे जानने दो तुम्हारी जिंदगी का कितना रूप है। मुझे मालूम होना चाहिए जो पराई लड़कियां उठा लाते हैं उनके घर की औरतें भी इसी तरह उठाई जाती, इसी तरह उठाई जाती है। बस 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 करो, तुमने दुनिया को मेरी नजरों से नहीं देखा है। एक डाकू की नजर से जिसने मासूमों को खून के आंसू रुलाया, बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा, दुनिया के अमन और शांति में आग लगाकर अपने घर में चिराग जलाया। मेरी नजरों ने तुमको देखा था और भगवान का रूप मान लिया। भगवान? भगवान, मेरी दुनिया में भगवान के लिए कोई जगह नहीं। शैतान के बस्ती में भगवान कहां से आ सकते हैं? पत्थर की बेजान मूरत, अगर देख सकती हो तो देखो, मैंने आज ऐसी दुनिया बसाई है जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यही मेरी जीत, यही मेरी फतह। ये तुम्हारी हार है, इसे जीत न समझना। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी दुनिया में अंधेरी करके जा रही हूँ। मुन्ने की माँ, खबरदार, मुझे इस नाम से नहीं पुकारना। मेरा बच्चा चोर और डाकू का बच्चा कहलाने के लिए दुनिया में नहीं आएगा। तुम मुन्ने की सूरत से ही देख सकोगी, मुन्ने की आवाज नहीं सुन सकोगी। मेरे बच्चे की जिंदगी पर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ेगा। तुम ढूंढते फिरोगे हमारे जिंदगी का निशाना तक नहीं। तुम एक शैतान को देखकर समझे बैठी हो, तुम एक शैतान को देखकर समझे बैठी हो, तुम एक शैतान को देखकर समझे बैठी हो। चोर और डाकू का बच्चा कहलाने के लिए दुनिया में नहीं आएगा।
होश खो बैठा था, मैं सकते में आ गया था, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं रोका उसे? मालकिन के आंसू से हमारे भी हाथ पांव ठंडे हो गए थे उस्ताद। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ तुम सब जाकर उसकी तलाश करो, और अगर उसे ढूंढ कर न लाए तो मैं एक एक अच्छा तोड़ डालूंगा। बहुत से खून टेस्ट किए मिस्टर राजकुमार, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही खून काम आ सकता है। तो फिर देर क्या है तब सर, अगर मेरा खून इनकी जान बचा सकता तो हाजिर। अच्छा अच्छा, मुझे मुझे चोर और डाकू का खून नहीं चाहिए, मुझे चोर और डाकू का खून नहीं चाहिए, मुझे चोर और डाकू का खून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तैयार हो राजकुमार? नहीं नहीं, क्या हुआ राजकुमार? सुना नहीं डॉक्टर, मुझे चोर और डाकू का खून नहीं चाहिए। और तुम तो जानते हो डॉक्टर, मैं चोर हूं, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मेरा खून इसके लिए जहर होगा, उसे मार डालेगा, मैं इसे मारना नहीं चाहता। मेरा खून इसे मत, तुम्हारा ही खून इसे बचाएगा राजकुमार, ये भगवान की मर्जी। और ना तुम्हारा खून इसके खून से मेल ना खाता, तुम्हारे दिल में ये जज्बात ही पैदा ना होते। तुम बदल चुके हो राजकुमार, अब देर ना करो। दिल नहीं मानता डॉक्टर साहब, मैं ये इंसानियत की पहली पुकार है, बुराई पर नेकी की ये जीत, तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो। भगवान, बरसों पहले मैंने तुम्हारे सामने इसी जगह तुम्हारी दुनिया को ठुकरा कर अपनी दुनिया बसाने की कसम खाई थी। मैंने हर वो काम किया जिसे तुम्हारी दुनिया में बुरा कहा जाता है। अगर देख सकते हो तो तुमने जरूर देखा होगा कि आज तुम्हारी दुनिया मेरे आगे सर झुका दी। इस पर भी एक अच्छाई, तुम्हारी दुनिया की एक अच्छाई को गले लगा रखा था। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, और अब जबकि उस मोहब्बत से तुम्हारी दुनिया के लिए नफरत का एक और चिराग जलने वाला था, तो तुमने उस चिराग को मुझसे जुदा कर दिया। भगवान तू याद रख, मेरे इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। अगर मेरी बीवी कल सुबह तक घर वापस ना आ गई तो मैं तेरे हर खूबसूरत खिलौने को तोड़ दूंगा, और जहां कोई जलता हुआ चिराग देखूंगा उसको यूं खामोश कर दूंगा। से बहुत दूर मेरे घर है, लेकिन मैं तो मरना चाहती थी, तुमने मुझे बचाया। भगवान उसकी यही मर्जी थी, लेकिन मैं जीना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाले बच्चे पर चोर और डाकू का असर पड़े, चोर और डाकू का असर पड़े। कौन है वो डाकू? मेरे होने वाले बच्चे का बाप, तुम्हारा पति। क्या नाम है उसका? पहले बीवी होने के नाते मैं उसका नाम नहीं लेती थी, अब वो नाम जबान पर नहीं लूंगी, इसलिए कि वो नाम बुरा है। मुझे न बच्चा चाहिए न जिंदगी, मुझे मर जाने तो मैं नहीं चाहती उस नाम का निशान भी बाकी रहे। ऐसा ऐसा नाम मिट जाएगा लेकिन निशान बाकी रह जाएगा। तुम्हारा बच्चा पैदा होगा बहन, जरूर होगा। जो बच्चा अपने बाप का नाम न जान सके, उसकी सूरत भी न देख सके, क्या जिंदगी होगी उसकी? उसकी जैसा तुम चाहोगी वैसी ही होगी। मैं खुद एक ये घर मुझे अपने सगे भाई से बढ़कर समझो। मैं अपनी बहन के बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा अजीज समझूंगा। मैं कसम खाता हूं
मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे बच्चे पे किसी चोर या डाकू का साया नहीं पड़ेगा। ने का किराया भी चढ़ गया है। डॉक्टर साहब ने कहा है हो सके तो कुछ रुपयों का इंतजाम कर दें। पहले तो एक एक दो दो देते थे उस्ताद, तुम एक ही करने लगे और हमारे बच्चे भूखे मर गए। अब आप ही जाइए उस्ताद अपने पुराने धंधे पर, छोड़ो शराफत को। सब ठीक हो गया उस्ताद, मर गया उस्ताद। चोर और चोरी का साया अब इस घर के करीब नहीं आएगा। मेरी बहन को भी तो जरूरत थी अच्छे खाने की, दूध की दवाई की, मैं उसे कुछ ना दे सका। सिर्फ अपनी अच्छाई और आसपास में दोस्त हो सब मर जाओ, लेकिन उसके विश्वास को नहीं मानूंगा। भगवान मुझे ये अंगूठी बेचनी है। मालूम तो होती है सीधी सादी, लेकिन जरा सेठ से कीमत पूछनी पड़ेगी। जरा ठहरिए हैं। देखिए इसके 25 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकते। सिर्फ 25 रुपए? जी हाँ। ये तो बहुत कीमती घड़ी है, 25 रुपए। क्या लड़की दुकान में? देखो उसे कहीं जाने मत देना, मैं भी आता हूँ। यकीन करो मधु, मैं वो नहीं हूं जो था। मैंने तुम पे यकीन किया था, लेकिन तुमने मुझे बेच डाला, मेरा नीलाम कर डाला। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दिन रात यही सोचता रहता हूँ, पछताता हूँ, पागल हो जाता हूँ। क्यों मैंने उस बदमाश के हाथों अपनी मोहब्बत को नीलाम कर दिया? यकीन करो। तुम बदमाश कहते हो, मैं उस पर यकीन कर सकती हूँ, लेकिन तुम पे नहीं। उसके साथ मुझे मालूम है मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन तुम्हारे साथ। सुन लिया तुमने, ये बच्ची हम दो उस्तादों में से मुझ पर यकीन रखती है, तुम पर नहीं। तुम बीच में मत पड़ो, ये मेरा जाती मामला है। ये जाती मामला मैं 10,000 में खरीद चुका हूँ, समझे? देखिए चौबे जी, देखिए देखिए, गौर से देखिए चौबे जी, वो 12 नंबर के जूते का निशान मेरे मुंह पे छप गया। सच कहता हूँ चौबे जी, मैं उस डाकू को यूं पकड़ सकता हूँ। तो तुम्हारा मतलब है इतना बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट तुम जैसे जेब कतरों की मदद से चला जाए? जाओ नाश्ता लो। चौबे जी, अवल तो अब मैं चोर नहीं रहा, इसीलिए तो आम शरीफ आदमियों की तरह भूखा मरता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने सर पे कुछ जिम्मेदारी ले ली है। अच्छा, मुबारक हो, शादी कर ली क्या? जी नहीं, एक शरीफ बहन घर आ गई, इसलिए चोरी को तलाक दे दी है और अब ईमानदारी की खाना चाहता हूँ। चौबे जी, तकदीर ने बड़ा अच्छा मौका दिया, अगर आप मदद करते तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा और चौबे जी आपकी पगार भी तो बढ़ जाएगी। अबे तुझे मेरे पगार की क्यों पड़ी रहती है? क्या बात है, वो डाकू तेरे बस का है? चौबे जी बिल्कुल बस का है, बिल्कुल बस का है। आप सुनिए तो, एक खुशखबरी है उस्ताद, अपने हीरो का खरीदार मिला है, हार्ड कैश देकर खरीदता है, कोई धोखा तो नहीं है इसमें? जिंदगी और मौत के मामले में मैं कभी धोखा नहीं खाता उस्ताद। कौन है वो? उस दुनिया के काले बाजार का शहजादा, बेपनाह दौलत और हार्ड कैश, बस जरा सा रंगीन पानी और शबाब का मिलाप और उस्ताद ऊपर से तबले की थाप और फिर 16 रुपए की खना खन खना खन। खुश आमदेद अपनी अपनी देर। जमाल खुश गुलू वाला हम कोई उम्मीद बना सकता है? हम लोग मेहमान को नाखुश नहीं करते, मेरे दिल में मर्दों के लिए कोई जगह नहीं। ओ, देखता कि तुम मोहब्बत किया, धोखा खाया।
आप ही सब कैसे कह सकते हैं? हमारा खानदान नजूमी है, हम नजूमी है, हम तो दिल का हाल बता सकता है। क्या बता सकते? गुला जब तुम उसको मिला, तुम नहीं था, वो नहीं था, तुम दुनिया को धोखा देता था, वो तुमको धोखा देता था। आपने मुझे चक्कर में डाल दिया। हाँ, तुमको क्या चक्कर में डाला, तुम तो मुझी का चक्कर में। इधर तुम शर्माता, उधर वो पछताता। वो पछताता? बहुत पछताता है, वो तुमको बहुत चाहता है गुला। क्या क्या वो मुझसे एक बार मिलेगा, बस एक बार? तुम भी उसको चाहता है? बहुत। मैं जिस कदर से नफरत करती हूँ उसे चाहती हूँ। अल्लाह खुदा कसम तुम उसको चाहता है, बहुत चाहता है। ओ गुला गुला, रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। जादूगर से आंख मिला, तीर चला जरा तीर चला, मैं तेरे कुर्बान सितम घर मार निशाने। टिक 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 बुम बुम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। शहजादे साहब, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अब हो जाए? बिल्कुल हो जाए, मगर मैं सौदे की बात तखलीर न करना चाहता हूँ, आपके आदमियों को यहीं ठहरना होगा। आपका आदमी भी इधर ही ठहरेगा? बेशक बेशक, तशरीफ लाइए। नेकलेस दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए शहजादे साहब, ये आंखों को वल्ला ये आंखों को बिल्कुल चौंधिया देता है। आ, कसम, कीमत बोलो, कीमत। इसकी कीमत, कीमत इसकी कीमत 10 पे 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख। अब्दुल्ला जल्दी आओ इधर आओ। अब्दुल्ला को आप क्यों बुलाते हो? घबराओ नहीं, हमारा खजानची है, पैसा निकालो, चलो रुपया तो लो, 12 लाख रुपया। खुदा कसम क्या शानदार चीज है, पहनेगा तो क्या कहेगा। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जगन। ये क्या करता है अब्दुल्ला? तुम और तुम भी। अच्छा जगन, खबरदार जो भागने की कोशिश की,
देखो सबको गिरफ्तार कर लो, कोई भागने ना पाए। ताला खोलो। मिस्टर रोशनलाल शर्मा जी, फरमाइए। आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, अलबत्ता गवाही में आपकी जरूरत पड़ेगी, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। वो खुश गुलू खुश जमा के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया हो? ताला खोलो। मिस मधु शर्मा, आप आजाद हैं, आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं। बेटी, अगर तुम मिस्टर राजन से ही शादी करना चाहती हो तो मैं बहुत खुश हूँ। घर चलो, बड़ी धूमधाम से शादी रचाऊंगा। आप हमारे बीच में मत बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ही इनको समझाइए ना, मैं तो इनका चचा हूँ। आप मेरे दुश्मन हैं। भैया भैया जल्दी घर चलो, बहन की तबीयत बहुत खराब है। क्या कहा? मैं फिर चलूंगी। सारी दाई भी वक्त पे जवाब दे, अब क्या होगा? अगर बहन को कुछ हो गया तो राम जाने राजन भैया का क्या। कोई सोने वाले बच्चे से बड़ी उम्मीदें लगी। माँ और बच्चे को भगवान न करे कुछ हो गया तो राजन भैया तो पागल हो जाएंगे। राजन बच्चा भी तो का। इसलिए अदालत मुल्जिम जगन्नाथ को 10 साल कैद बामुशक्कत की। मुबारक हो राजन, मुबारक हो। चलो चलकर अपना इनाम ले लो। चलिए चलिए। अरे ये क्या, क्या फिर से? तो फिर ये रुपए? भूल गई, वो डाकू पकड़वाया था। डाकू को सजा होगी और पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए इनाम। भगवान भला करे उस डाकू का, उसके किस्मत के अंधेरे से हमारे घर का चिराग, हमारे घर का चिराग रोशन हो गया। मुसीबतें खत्म हो गई बहन, दिन बदल गए। इन रुपयों से अब हमारा एक नया घर होगा, नई जिंदगी होगी, नई खुशियां होंगी। उस्ताद कहो मां, कुछ पता चला? हाँ सर, मधु ने एक नाटक कंपनी में नौकरी करी। नाटक कंपनी? कहाँ, किस कंपनी? उस कंपनी के साथ वो हिंदुस्तान से बाहर चली। हिंदुस्तान से बाहर चली? उससे मिली भी नहीं। मुझसे कोई गलती हो क्या? क्या क्या हुआ होगा? बातें भूल जाओ बहन। भूलने ही के लिए तो आपके थिएटर में काम कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ उसकी दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। और जब 4 साल बाद तुम लौट कर बंबई आओगी? मैं कभी बंबई नहीं आऊंगी। अब मैं कभी बंबई नहीं आऊंगी, कभी भी। तुम जरूर आओगी बहन, एक बहुत बड़ी स्टार बनकर। और जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया वही तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। Thank you.
राजा बेटा, राजा बेटा। अरे देखो, मैं तुझे रोज सिनेमा दिखाता हूँ ना, चला तुझे मैं एक नई चीज दिखाऊंगा, तुझे नाटक दिखाऊंगा। क्या होता है बाबा? उसमें फाइटम फाइट होती है? अरे उसमें सब कुछ होता है। चल जल्दी से तैयार हो। क्या काम है, आप कितने मिलना चाहते हैं? जी मैं मधु शर्मा से मिलना चाहता हूँ। मधु शर्मा से? जी उनसे तो कोई भी नहीं मिल सकता। देखिए उनसे ये कहिए कि राजन उनसे मिलना चाहता है। आपका नाम राजन? जी आप तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। तशरीफ का टोकरा ले जाइए, चले जाइए। अब क्या होगा? देखो तुम राजा को लेकर हॉल में जाओ, मैं कुछ तरकीब सोचता है। अच्छा चलो। बन कर झूम
आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान, अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा निशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, आज मिली हो। मुझे ढूंढने का तुम्हें क्या हक है? क्या हक है तुम्हें मुझे ढूंढने का? मुझे कोई हक नहीं, मेरा कसूर क्या है? मुझे तुम मेरे होते कौन हो जो तुम्हें कसूर पता? बाबा अब छोड़ो ना ऐसे, चलो ना घर, मुझे भूख लगी है। जाओ जाओ अपने घर जाओ। क्या काम किया है प्यारे? काम तो अच्छा किया है, देख लूंगा इधर, देखो ना मेरे मुंह पर क्या काम किया है। बहुत अच्छा, आज से तुम्हारा हीरो होने का एग्रीमेंट कैंसिल, तुम विलन और ये हीरो। ये हीरो को बाहर निकाल दीजिए। इतना बड़ा एक्टर लाख लाख रुपए के एक्शन करता है। या इसे रख लीजिए या मुझे रख लीजिए सर साहब। अरे तुम नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे हीरो तो टके से बाजार में रोज मिल जाते हैं। क्यों रो, जाओ जाओ निकलो ऐसे। कहाँ चल दिए राजा साहब? अरे अजी राजा साहब, आज रानी पार्क जा रहे हैं, उसके साथ एक मोटर जा रहा और उसके साथ मेरे साथ रेसेस लगेगी। ये जो अबे गधे 18 नंबर का है, माफ करो। अरे चलो चलो, देखो कितना नजदीक राजा। अरे आगे वाली गाड़ी को ड्राइवर, इसका पीछा करो। चलो पिस्टल दोनों के पास हो, कैसे सिखा दूंगा तो आईसी अभी, लेकिन उनके पास लेकिन वेकिन कुछ नहीं। रहने दीजिए। बच्चे की माँ या कोई भी रिश्तेदार पूछे तो कह देना मधु शर्मा ले गई। चलो ड्राइवर। हाँ जी हाँ। अरे कौन मधु शर्मा? घबराओ नहीं बहन, बच्चा बिल्कुल ठीक है, सब होश हो गया था उसे, मजबूर है जब मधु शर्मा ले गई। ये तो जगन सेठ की बीवी है बॉस, तो बच्चा भी जरूर जगन सेठ का ही होगा। भाभी मैं इससे क्या मतलब, और अंदर बस। लेकिन बॉस। हाँ ड्राइवर। एक्सीडेंट हो गया भैया। एक्सीडेंट? हाँ, और कोई एक्ट्रेस मधु शर्मा उसे अपने साथ लेकर गई। कहाँ कौन से अस्पताल में? मालूम नहीं भैया, लोग कहते थे उसे हल्का सा जख्म हो गया भैया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं उसे भैया। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई? तू मेरी मोटर के नीचे आ गया था, बेहोश हो गया था। तो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया? कल तो मेरे बाबा को निकाल दिया, आज मेरे ऊपर उपकार करते हो? तू अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं? बाबा बहुत प्यार करते हैं। अच्छा सुन, तेरे बाबा तेरी माँ से भी बहुत प्यार करते हैं? क्यों नहीं करते? माँ भी तो उसे बहुत प्यार करती है, एक तुम हो जो उससे झगड़ती हो। तुझे क्यों? खैर
अच्छा बता, तेरा बाबा तेरे दूसरे भाई बहनों से भी बहुत प्यार करता है? दूसरे भाई बहन मेरे हैं किधर? क्यों, तेरे बाबा के कोई और बच्चा नहीं हुआ? मेरे बाबा की शादी कहाँ हुई है? क्या शादी नहीं हुई? तो फिर तेरी माँ तेरे बाबा की कौन है? मेरी माँ मेरे बाबा की। राजा, बेटा तूने मेरी जान बचा ली। चलो राजा। राजन। ले ना इसे। राजन, राजन। जाने दे मुझे। इतनी मुश्किलों के बाद तो पाया है, यूं ही कैसे जाने दूं? तो मत जाने दो, यूं ही धक्के मार के बाहर निकलवा दो। बुलाओ अपने आप ही। माफ नहीं करोगे? क्यों मजाक करती हो? कहां मैं एक मामूली मोटर में खेलने, कहां तुम वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस। अब ज्यादा शर्मिंदा ना करो, मैं तुम्हें शादीशुदा समझकर तुमसे बहुत दूर चली गई थी राजन। सच मानो, मैंने तुम्हें अपने आप से ज्यादा चाहा है। बरसों तड़पी हूं तुम्हारे लिए। एक जरा सी गलत फहमी पर तुमने खुद पर और मुझ पर इतने जुल्म ढाए। गुनाहगार हूं, सजा दे लो। मैं तुम्हें क्या सजा दूं? मैंने तुम्हें धक्के देकर निकलवाया था, तुम मुझे थप्पड़ मारो। कितने? एक। काम नहीं बनेगा। दो। अच्छा, आठ नौ दस। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस। हाँ सैया मैं तो हार गई, बस बस बस, ओ बस बस बस। हाँ नजरों के तीर मारे कस कस कस। नर्म मलाई जैसी तेरे तो मैं वारी जावा बलिए। लंबी लंबी गन्ने जैसी देखी ना हसीन ऐसी, लंबी लंबी गन्ने जैसी देखी ना हसीन ऐसी, ओ मिस्री दिए डलिए। बातों में मैं तो गई फस फस फस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस। गोरी मैं तो हार गया, बस बस बस, हाँ बस बस बस। नजरों के तीर मारे कस कस कस। ताने तू मारे मुझे हंस हंस हंस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस। हाँ सैया मैं तो हार गई, बस बस बस, ओ बस बस बस।
नजरों के तीर मारे कस कस कस। कहाँ लेके नैनों में ये फूल झड़ियाँ, तुम पे मरूंगा गोरी प्यार मैं करूंगा गोरी, तुम पे मरूंगा गोरी प्यार मैं करूंगा गोरी, चाहे लगे जी हाथ कड़ियाँ। तड़प गई रे मेरी नस नस नस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस, गोरी मैं तो हार गया बस बस बस, हाँ बस बस बस, नजरों के तीर मारे कस कस कस। जुल्फों के नाग गए ढस ढस ढस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस, बस बस, नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस। हाँ सैया मैं तो हार गई बस बस बस, ओहो बस बस बस, नजरों के तीर मारे कस कस कस। नया आया है बाबू? उस्ताद तू यहां कैसे? तू तो भाग निकला था ना? आपके मुन्ना की मेहरबानी से उस्ताद। मेरा मुन्ना? मेरा कोई मुन्ना मुन्ना नहीं, वो चिराग तो जलने से पहले ही अपनी माँ के साथ बुझ गया था। नहीं उस्ताद, वो चिराग रोशन है। ये तू क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ उस्ताद, आप इधर आइए। मैंने भाभी और मुन्ना दोनों को आंखों से देखा है। मैंने भाभी से बात भी करना चाहिए उस्ताद, लेकिन रोशनलाल ने मुझे रोक लिया। रोशनलाल, ये कमबख्त अभी तक इस कहानी में जिंदा है? हाँ उस्ताद, और उसने अपनी भतीजी मधु का खून मेरे हाथों से करवाना चाहा। आप यकीन जानिए उस्ताद, मैंने उसे जान से मार दिया होता, लेकिन आपकी मुन्ना ने उसे बचा लिया। क्या कहने हैं आपके मुन्ना की दलेरी के? तो आखिर मेरा चिराग मेरी ही तरह रोशन हुआ, मगर मैं बदनसीब उसे देख भी तो नहीं सकता। तूने तो देखा होगा, पता कैसा है मेरा मुन्ना। शक्ल सूरत में बिल्कुल भाभी की तरह, दलेरी में एकदम आपका नमूना, दो की एक तस्वीर, ये है आपका मुन्ना। लेकिन मैं उसे ये कभी नहीं देख सकता बाबू, तो मुझे बता सकता है मैं उसे कहां देख सकता हूं? उसका पता आपको उस्ताद रोशनलाल बता सकता है। रोशनलाल, 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 मगर मैं यहां से जाऊंगा कैसे? मैं यहां से निकलूंगा कैसे? नहीं नहीं, नहीं। कितनी बड़ी हार, कितनी मुकम्मल शिकस्त, क्या यह मेरा खत्म नहीं किया जा सकता? क्या ये जंजीरें नहीं तोड़ी जा सकती? मैं तोड़ दूंगा इन जंजीरों को, मैं तोड़ दूंगा इन दीवारों को, मैं तोड़ दूंगा।
जगन्नाथ तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। नहीं, अभी रोशनी बाकी है और मैं उस रोशनी को एक बाप के जज्बात लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ रोशन लाल। मैं अपने बच्चे को ढूंढ रहा हूँ और तुम मेरी मदद कर सकते हो। रोशन लाल हर इमदाद का बदला जा। कीमत क्या? मैं हर कीमत देने को तैयार। तुमको दो खून करने होंगे, दो, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। मैं आज तक मधु को अपने रास्ते से नहीं हटा सकता, अब उसका खून भी तुम्हीं को करना होगा। एक और दूसरा, राजन तुम्हारा पुराना दुश्मन और मधु का चाहने वाला। नहीं, मैं अपने बच्चे की तलाश अपने ही बलबूते पे करूंगा और उसे एक दफा देख लेने के बाद, उसे एक दफा देख लेने के बाद अगर गिरफ्तार न हुआ तो रोशन लाल फिर दो खून होंगे, एक तेरा दूसरा राजन का। जगन, अब तुम नहीं बच सकते। इंस्पेक्टर, मैं अपने बच्चे को देखने के लिए आया हूँ, उसको देख लेने के बाद मैं फौरन खुद आ जाऊँ। नहीं इंस्पेक्टर। कमबख्त फिर भाग गया, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पीछे करो। नहीं मिला, नहीं मिला, उधर भी नहीं। चलो हमने इंस्पेक्टर। कुमारी की डर गए? जरा मेरी तो देखो कैसा होता है। अरे भूत कहाँ गया? ए भूत निकल। तुम्हें बहुत दर्द होता है तो फिर ऐसा कहो ना कि तुम्हें मदद की जरूरत है। और कौन करेगा मेरी मदद? मैं करूंगा। वो हंटर वाले में कहता था ना, कमजोर आदमी की मदद बहादुर आदमी करता है। मैं बहादुर आदमी हूँ। लाओ हाथ, चलो मेरे साथ। अरे हाँ यार, और मैंने कहीं तुम्हें देखा है। इन्हीं मकानों में से किसी एक में होगा। हाँ आ गया, वो तुम्हारा फोटो छपा था डाकू करके। हाँ वो जो तुम्हारा फोटो था ना, वो मैं माँ को दिखाने गया तो माँ ने उसे मरोड़ के वो पिटाई की मेरी कि मुझे अपनी नानी याद आ गई। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुमने एक डाकू की मदद की है तो क्या हुआ तुम्हें? थोड़ी सी और पिटाई हो जाएगी। तुमने हतमताल देखा था ना, तो हतमताल संभाल देता था। किसे खाना लिया था? ख्यालों पर मेरे छाए हुए मालूम होते हो नहीं आए मगर
बेद गंगी हुस्न पर मैं हो के पागल थाम लूंगा पाप के हाथों से आजल बेद गंगी हुस्न पर मैं हो के पागल थाम लूंगा पाप के हाथों से आजल साथ न आया तो बोलो क्या करोगे तुमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे तुम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे तुमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे एक दिन बेखबर तेरी जवानी जुल्फ के साए में सो जाऊंगा रानी होगी एक दिन बेखबर तेरी जवानी जुल्फ के साए में सो जाऊंगा रानी ना मिला साया तो बोलो क्या करोगे हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे सुनी मेरी रातें ख्वाब में तुमसे करूंगा दिल की बातें ख्वाब न आया तो बोलो क्या करोगे हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे हमने तड़पाया अब तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ कितने बच्चों की माँ बनोगी क्या जिस चीज के सहारे खोए हुए भाई के मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था वो चीज फिर नहीं खरीदी जाती परेशान मत हो मैं भी ढूंढती हूँ अभी मिल जाएंगे यही मैं तुम्हें देना चाहता था राज। मेरी मां की निशानी संभाल के रखना मत क्या हुआ मुझे मां का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ कितना अच्छा होता अगर इनके साथ तुम्हारे भैया भी मिल जाते और मां भी होती मां तो नहीं है मधु लेकिन उनकी जगह भगवान ने मुझे एक बहन दे दी जो मेरी माँ है बहन है सब कुछ तुम रोज उनका जिक्र करते हो पर उनसे मिलाते नहीं कभी आज चलो आज ही मिल लो हाँ। अभी हमारे घर दिवाली पूजन है हम समझेंगे गरीब के यहाँ लक्ष्मी आ गई चलो अरे मैंने तो शो के बाद कपड़े ही नहीं बदले मैं कपड़े बदल कर आती हूँ तुम चलो
जरूर आऊंगा। मेरी माँ ने मेरे पापा से एकदम चोरी छुड़ा ली, क्या तुम्हारी मुन्ने की माँ ने तुमसे चोरी नहीं छुड़ाई? बेटा काश मैं तुम्हारा बाबा होता। मेरा बाबा है ना, वो भी बड़ा चोर था। जब से माँ एकदम ठीक हो गया, चोरी बंद तो खाना बंद। माँ बीमार, मैं पैदा होने वाला, घर में एक पैसा भी नहीं। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई बेटा? बाबा ने, और किसने? फिर भी उन्होंने चोरी नहीं की? बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? एक बहुत बड़ा डाकू पकड़ लिया। अरे जैसे फिर क्या, जैसे हीरो डाकू को पकड़ता है तब इनाम मिलता है ना, वैसे मेरे बाबा को भी इनाम मिला, 10,000। 10,000? फिर मैं पैदा हुआ, माँ अच्छी हो गई, फिर नया घर बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। दुश्मन की औलाद, तेरे बाप का नया घर बन गया, नई दुनिया बस गई। क्यों ना मैं तेरा ही गला घोट दूं? क्यों? इतना गिर गया है जगन, बाप का बदला इस मासूम से। शर्म कर, फिर क्या हुआ? माँ ने उस डाकू को दुआ दी और कहने लगी उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जानते हो बेटा वो डाकू कौन था? माँ को तो मालूम नहीं और पापा बताता नहीं। वो डाकू मैं था बेटा। तुम जेल से भागकर तुमने मेरे ही घर में पना ली? हाँ, उस घर में जो मेरी गिरफ्तारी के इनाम से पना। मैंने कसम खाई कि राजा के सर पे कभी किसी चोर या डाकू का साया नहीं पड़ेगा। नीचे जाओ राजा। नहीं, इस बच्चे को यहीं रहने दो, इसने मुझे सहारा दिया। सहारा? हाँ, मैं पुलिस से छुपा बैठा था, ये बच्चा मुझे यहाँ ले आया। मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारा घर है। इधर आ राजा, इधर आ राजा। इस आदमी को यहाँ क्यों लाया? क्यों लाया इस आदमी को यहाँ पर? अपनी माँ को बता तुमने एक डाकू को अपने घर में पना दिए। नहीं बाबा, माँ तो डाकू और चोरों से नफरत करती है। नफरत करती है? और तुम मदद कर। नहीं बाबा, उनका भी एक बच्चा है मेरे जैसा, वो उसे ढूंढ रहा है। तो तुम्हें क्या उससे? तो झूठ बोलकर इस मासूम को भी धोखा दिया? मेरा वक्त खराब है, इसलिए मेरे सच को भी झूठ समझा जा रहा है। चल जाओ यहाँ से, मैं इस घर को नहीं खत्म होने दूंगा। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मैं बाहर गया तो वो लोग पकड़कर मुझे फांसी चढ़ा देंगे, फिर मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकूंगा। डाकू से मुझे कोई हिम्मत नहीं है। मैं डाकू जरूर हूँ लेकिन एक बाप भी हो। मुझे आज की रात यहाँ गुजार लेने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, सुबह तुम मेरी सूरत न देखो। सूरत तो तुम्हारी सब भी नहीं देखना चाहता, एक डाकू और एक चोर इस घर। ये ना भूलो कि तुम भी कभी एक चोर थे। मगर अपने ही तुम नहीं जान सकते क्योंकि मैंने अपने आप को बदला है, किसकी मेहनत और किसके विश्वास पर यह घर बना। तुम्हें किसी अच्छाई का साथ मिला होगा। अच्छाई का साथ मुझे भी मिला था, मगर तुम कुछ नसीब थे कि सुधर गए और मैं यूं ही का यूं ही रहा। फिर भी तुम मेरे ही भाई बंद हो, एक भाई समझकर मुझे पना दो। अगर तुम मेरे सगे भाई होते ना तब भी तुम्हें यहां ना रहने देता। निकलो, एक रात मुझे यहां पना। चले गए राजा, नहीं जाने दूंगा, इस बार बहुत आसान है। राजा, राजा, राजा। तुमने इस मासूम पर भी हाथ उठाया? अगर तुम इस बच्चे के बाप न होते क्या बकते तो मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ देता। अब तुम यहां से जाओगे। चलो, क्यों से दरवाजा खोलो।
यहाँ से कोई भी नहीं। राजा बेटा। मालूम होता वो डाकू राजा को भी ले गया। भैया मेरे राजा को ढूंढो, मेरे बेटे को ढूंढो भैया। घबराओ नहीं भाई, मैं राजा को जरूर ढूंढ निकाल दूंगा। राजन इधर से ही गया। ये तो उसी की तस्वीर है जो राजा को उठा ले गया। ये वही डाकू है बहन जिसे मैंने पकड़वाया था, जिसका इनाम मिला। ये मेरे पति है। क्या कह रही है? लेकिन राजा को तो नहीं मालूम कि ये उसका बाप है। तो इन्हें पता चल गया हम लोग यहाँ रहते, इसीलिए मेरे राजा को ले गए भाई। इसीलिए नहीं भाई, इसे भी तो नहीं मालूम कि राजा उसका। कैसे धीरज रखू भैया, वो तुम्हारे बदला राजा से जरूर लेंगे। यकीन करो मैं राजा को वापस ले आऊंगा, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, मैं उसे वापस ले आऊंगा। मधु हमारी तो दिवाली ही मत कर, ये है मेरी बहन, ये मधु, मैं बाद में मिलूंगा। मैंने तो आपको कहीं देखा है, मुझे भी कुछ याद है। ये आपका है? ये मुझे राजन ने दिया था, ये राजन की माँ और खोए हुए भाई की निशानी। राजन, खोया हुआ भाई, तब तो दोनों भाई भाई हैं। गजब हो गया बहन, गजब हो गया। क्या हुआ? कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे अपने चरणों में हमने बुला लिया। मैं इसके सामने नहीं आना चाहता, फिर ये क्यों बुलाता है बार बार मुझे? चलो चले यहाँ से। कहाँ जाएगा? जहाँ भगवान न हो। भगवान तो सब जगह होता है, चल हाथ जोड़। नहीं, मैं तो तेरे को अच्छा पे समझता था यार। बेटा तू नहीं जानता कि इसने क्या क्या जुल्म मेरे पर किए। कैसी बातें करा, भगवान भी कहीं जुल्म करता है? ये जुल्म नहीं है, बचपन ही में मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, उसको भी मुझसे अलग कर, देखते ही देखते हम माला के दानों की तरह बिखर गए। इस पर भी मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने हाथ जोड़ना बंद कर दिया। तेरी परीक्षा ली होगी यार, माँ कहती थी जब भगवान प्यार करता तो परीक्षा भी लेता और थोड़ा थोड़ा दुख देता। तेरी माँ ने तेरे को इतना भी नहीं बताया? मेरी माँ को इसने छोड़ा, इसने, मैंने अपनी दुनिया बसाई, मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा होने वाला था, इसने उनको भी मुझसे छीन लिया। ये जिंदगी भर मुझसे छीनता आया है। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें तुम्हारा मुन्ना नहीं दिया, नहीं तो तू उसे भी अपनी तरह बना लेते। क्यों बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं? तुझे बच्चा चाहिए, बच्चे की माँ चाहिए, भाई चाहिए, तो मांग ले, माफी मांग ले, ये तुझे सब कुछ दे देगा। माफी? क्यों डरता है? भगवान इसे माफ कर दो भगवान, इसका बच्चा इसको दे दो भगवान, इसका बच्चा इसको दे दो भगवान, 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 भगवान तुम मुझे माफ कर, मेरे से भूल हुई,
तुमसे कोई नहीं जीत। भगवान, मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा, अपने बच्चे का। भगवान, मैं गुनाहगार हूं अपनी बीवी का, अपने भाई का, सारी दुनिया का। मेरे पास वो मुंह ही नहीं है जिसे लेकर मैं तुम्हारे सामने आ सकूं। मुझे माफ नहीं करोगे? शक, मेरे में कोई अच्छाई नहीं और तुम्हें कोई बुराई नहीं। फिर अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो तुम में और मुझ में क्या फर्क है? क्या फर्क है? हे भगवान, सुबह तक इसका बच्चा मिल जाना चाहिए। पुलिस, पुलिस, पुलिस। आवाज तो यहीं से आ रही थी, इतनी देर में कहां चला गया? चलो चलो उधर देखो, चलो। अब मैं नहीं चल सकता, प्यास बुझानी चाहता हूँ मगर कहीं नहीं मिलता। तुम्हें प्यास लगी है ना, तुम्हें पानी पीने का है ना? मैं अभी लाता हूँ पानी, मैं अभी लाता हूँ। जगन्नाथ, पानी करीब है लेकिन तुम प्यास बुझाना नहीं जानते। मैं बुझा सकता हूँ तुम्हारी प्यास, मैं दिलवा सकता हूँ तुम्हारा बच्चा, लेकिन कीमत वही होगी, दो खून। रोशनलाल, अपने बच्चे की निगाहों में खूनी बनूं, इससे बेहतर है कि मुझे मेरा बच्चा ही नहीं मिले। मैं अपनी जिंदगी भर की तमन्ना का खून कर सकता हूं लेकिन इंसान का खून मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर ये खून मुझे करना होगा जगन्नाथ, मुझे अफसोस है कि वो तुम्हारा खून। बोलो जगन्नाथ, मेरी बात मानते हो या नहीं? नहीं, नहीं। बोला नहीं। बच्चे मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा, वरना जो मैं कहता हूं कर। अगर जब उस टाइम तेरे पर हक है, न मालूम मेरी अंदर होने लगा, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका राजा, तू मुझे माफ कर दे राजा। रोशन लाल, जगन्नाथ, कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? नहीं, मैसेज मिला है कि जगन डाकू ने खून कर दिया। खून? हाँ खून। चीफ इंस्पेक्टर साहब का ऑर्डर है कि शहर के तमाम नाके पर पुलिस को आगाह किया जाए, तमाम शहरियों को खबरदार कर दिया जाए। ओके, जेल से भागा हुआ जगन डाकू, जगन डाकू जिसकी तस्वीर इश्तहारों और अखबारों में छप चुकी है, उसी जगन डाकू ने अभी अभी खून किया और वो एक मासूम बच्चे को लेकर भागा है। उस मासूम की जिंदगी खतरे में। पुलिस की तरफ से ऐलान किया कि शहर हर नाके पर इसको तलाश किया जाए, ढूंढा जाए, गिरफ्तार कराने वाले को इनाम दिया जाए। खुद
जाओ। लगन वापस आ जाओ। गोली मत चलाइए इंस्पेक्टर साहब, बच्चा भी गिरेगा और ये बच्चा इसी का। लगन, तुम्हारा बच्चा मिल गया। कहाँ है? तुम्हारा ही साथ है। मुझे यकीन नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे यकीन दिलाऊंगा, बच्चे को वापस लाऊंगा, मैंने कसम खाई। खैर अपने साथ कुछ मदद ले जाओ, कुछ आदमी लेकर जाओ। अगर आदमी ले गया तो इसे बिल्कुल यकीन नहीं होगा, मुझे अकेला जाने दीजिए। जान के पीछे पड़े हूं, मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चे को देखना चाहता हूं। यकीन करो जगन, यह बच्चा तुम्हारा है। मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो, मैं अब खूनी नहीं हूं, मैंने भगवान के सामने अपनी हार मान ली। और तेरी दुनिया वाले क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं, ये क्यों मुझे मार डालना चाहते हैं? क्यों नहीं तुम मेरा यकीन करते? ये मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो तुम्हारा बच्चा है वही मेरा बच्चा? ये मेरा नहीं, मेरी बहन का बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारी अखबार में छपी हुई तस्वीर मेरी बहन ने मुझे दिखाई, वो तुम्हें देवता की तरह पूजती थी। जब उसे ये मालूम हुआ कि तुम एक डाकू हो, उस दिन से वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से बाहर चली गई। उस वक्त ये बच्चा पैदा होने वाला था और वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा साया तक उस पर पड़े। तुम्हारी जबान से पुलिस बोल रही है, अगर तुम्हें फिर से इनाम की जरूरत है तो मैं वायदा करता हूँ मेरे बच्चे को एक दफा मिल जाने दो, मैं भी तुम्हारे हाथों गिरफ्तार होकर तुम्हें इनाम दिला दूंगा। जगन, जगन, मेरा पीछा मत करो, मैंने खून न करने की कसम। मुन्ने की माँ, मुन्ने की माँ कहाँ है मेरा मुन्ना? बताओ कहाँ है?
ये लो बहन, ये रहा। घबराओ नहीं राजा, बिल्कुल ठीक था। गोली कहाँ लगी है? गोली हाथ में लगी भैया। भैया अगर भाई के हाथ से भाई की जान बच जाती हुई दिल में भी लग जाती तो कम था। भाई? हाँ भैया। भैया, भैया कसम, मेरे बच्चे से मत कहियो मैं उसका बाप। क्यों क्यों भैया क्यों? मेरी तकदीर का फैसला कर देने के बाद मौसिस छुरी आप और जज साहब आप और आप सब लोग जाएंगे और अपनी औलादों को मैं कलेजे से लगाकर प्यार की बातें करेंगे, लेकिन मैं ही एक बदनसीब हूं जो यहां से मरने के लिए जाऊंगा और अपने आखिर वक्त में भी अपने बच्चे को बच्चा कहकर नहीं पुकार सकूंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे आप लोग बताइए, क्या इससे कोई और बड़ी भी सजा हो सकती? ठीक है, दुनिया वालों की नजर में मैं खूनी, मैंने खून किया, लेकिन भगवान की और अपनी नजर में खूनी नहीं हूं। नहीं, मैंने जान लेकर जान बचाई है, इस मासूम की जान जिसने नास्तिक को आस्तिक और शैतान को इंसान बना दिया। आज आप एक जगन को फांसी दे सकती हैं, दीजिए, लेकिन याद रखिए, जब तक बावारिस बच्चों से नफरत का सलूक किया जाएगा, जब तक यतीमों की तालीम और तरबियत का खास इंतजाम नहीं होगा, मेरी तरह हजारों जिंदगियां पाप के रास्तों पर मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर मेरा इंसान बनना मेरे मुकद्दर को गवारा नहीं तो मैं बड़ी खुशी से इंसानियत के नाम पर कुर्बान होने को तैयार, बड़ी खुशी से कुर्बान होने को तैयार। मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता। मुल्जिम जगन्नाथ, तुम्हारे बयान से अदालत और मस्जिद जूरी को हमदर्दी है, लिहाजा रोशन लाल के कत्ल के जुर्म से तुम्हें बरी किया जाता है। अलबत्ता जेल तोड़कर भाग जाने के जुर्म में अदालत तुम्हें 2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा देती है, जो तुम्हारी बाकी मानदा 5 साल की सजा के साथ साथ पूरी होगी। मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हारा मुन्ना नहीं ढूंढ सका। जब तुम वापस आओगे ना, तब मैं जरूर तुम्हारा मुन्ना ढूंढ के रखूंगा। मैं सच कहता हूँ यार। राजा, एक बार इन्हें बाबा कह दो। क्यों? इनको अपना बेटा नहीं मिला ना, तुम ही कह दो। कह दो, कह दो। बाबा। दिल की अमानत मैं तुम्हें सौंपता हूं। माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब इस वक्त मैं आशीर्वाद के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता।